जानती हो माँ, मूले शास्त्री जी सिद्ध संत हैं। देखते ही सबकी परेशानियां पहचान जाते हैं, और वो कहते हैं उनकी जुबान से उनके गुरु के शब्द निकलते हैं। सोचता हूँ मैं भी उनसे भविष्य के बारे में पूछूं। लेकिन आपको जानना क्या है? दत्तू का भविष्य। क्यों हम किसी और से पूछें, जब साई की कृपा से हमें दुनिया का हर सुख मिलता है, तो फिर हम किसी और के पास क्यों जाएं? इसमें कोई दो मत नहीं है कि साई की कृपा से ही सब कुछ हमारे पास है, सब उन्हीं के आशीर्वाद से है। लेकिन शास्त्री जी ठीक ठीक ये बता सकते हैं कि क्या और कब होने वाला है। फिर एक और बात है। कौन सी बात? दत्तू का अतीत। कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चलेगा? देखिए इसे, कहने को तो 13 साल का हो गया है, लेकिन नींद में अब भी लार बहती है। अब भी एक छोटे से बच्चे की तरह मेरा पल्लू पकड़ लेता है। मैं तो चाहती हूँ ये जल्दी से बड़ा हो जाए, लेकिन साथ ही ऐसा भी लगता है जब ये बड़ा हो जाएगा तब मेरा पल्लू कैसे पकड़ेगा। मैं समझता हूँ तुम्हारी भावनाओं को, लेकिन लोग नहीं समझते। वो दत्तू से उसकी उम्र के मुताबिक व्यवहार करने की उम्मीद करते हैं। पता है, मैंने आज ही साई से दत्तू के बारे में बात की है, और उन्होंने मुझसे चिंता ना करने को कहा, और ये भी कहा है कि समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि वो समय जल्दी से जल्दी आए और हमारे जीवन में भी सुख ही सुख हो, शास्त्री जी की तरह। उन्हें देखता हूँ तो लगता है सबसे सुखी इंसान वही है। कैसे? जिस इंसान को अपने आने वाले कल का पता हो और वो भविष्य के मुताबिक अपने वर्तमान को सुधार सकता है, वो तो सबसे सुखी हुआ ना। काश मैं भी उनके जैसा खुश नसीब होता, फिर मुझे कोई दुख नहीं होता, फिर मैं चैन की नींद सोता और चैन से जागता। तो यही मानता हूं कि जैसे शास्त्री जी चैन की नींद सोते हैं, मुझे भी वैसे ही चैन की नींद नसीब हो।
हे गुरुदेव मावली, मैंने हमेशा आपकी आराधना की है, आपकी हर बात को ईश्वर इच्छा मानकर उसका पालन किया है, और आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन गुरु जी, इस कश्मकश से मुझे कब छुटकारा मिलेगा? मेरी ये परीक्षा कब खत्म होगी? इस दुख के चक्रव्यूह से मुझे निकालिए गुरु जी। कृपा कीजिए। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। साईं, ठंड बहुत बढ़ गई है, इसीलिए रेहाना ने आपके लिए कंबल भेजा है। शुक्रिया, वहां रख दो। जी साईं। क्या बात है साईं, सब खैरियत तो है ना? किसी को मेरी मदद की जरूरत है। अगर आपको मेरी जरूरत हो तो आप मुझे याद कीजिएगा। ठीक है, अब तुम घर जाओ। चलता हूं साईं। सलीम, उस टोकरी में एक पंखा है, लाकर दोगे? ये लीजिए। आज जो तुमने किया उसका आभास है तुम्हें? और शास्त्री जी ने जो किया उसका क्या? सीधे सीधे मना कर दिया आपको, कहा कि आप उस पाखंडी को कभी हरा नहीं सकते, यानी कोई शिरडी के राजा को मना कर दे, मेरे ससुर जी को मना कर दे और मैं चुपचाप खड़ी देखती रह जाऊं। आपको हो ना हो पिताजी, मुझे आपके सम्मान की फिक्र है, आपकी चिंता है मुझे। इस घर में किसी भी स्त्री को पलटकर उत्तर देने का अधिकार नहीं है, और ना ही मुझे किसी स्त्री के समर्थन की आवश्यकता है। तुम्हारे पिताजी मेरे मित्र हैं,
इसलिए आज तक मैंने तुम्हें बहुत छूट दे रखी है। लाड़ दुलार से व्यवहार का अर्थ यह नहीं कि तुम मर्यादा का मान ही ना रखो। आज जो तुमने किया है वो बिल्कुल अस्वीकार्य है। उस फकीर ने आपके बेटे की बुद्धि भ्रष्ट कर दी, आपके विरुद्ध कर दिया आप ही के खून को। ये सब आप बर्दाश्त कर सकते हैं पिताजी, लेकिन मैं नहीं कर सकती हूं, नहीं होगा मुझसे। अगर शास्त्री जी ने ये नहीं कहा होता कि हम उस फकीर से कभी छुटकारा नहीं पा सकते, तो यकीन कीजिए मेरा, मैं उन्हें एक शब्द नहीं कहती। लेकिन मैं क्या करूं, सांप छछुंदर जैसे हालत हो गई है मेरी, ना उगलते बनता है ना निगलते। अच्छा होता अगर किसी कुएं में कूद के जान देते थे मेरी। बहू, तुमसे बहुत पहले से देखा है मैंने अपने बेटे को। उस पाखंडी के बहकावे में आकर वो मुझसे दूर होता गया। आज तुम पर जो बीत रही है वो मुझसे अधिक कौन समझ सकता है, किंतु किसी भी कारण तुम अपना स्थान भूल जाओ, मर्यादा भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। और रही बात शास्त्री जी की, शास्त्री जी का इस गांव में रहना अति आवश्यक है। बड़ी कठिनाई से उन्हें लेके आया हूं मैं यहां। उनके जीवा पर सरस्वती बसती है, सरस्वती। इन अनपढ़ गंवार गांव वालों को इस ज्योतिष के पीछे लगा देना मेरे लिए बहुत सरल है। लेकिन वो मूले शास्त्री जी बहुत उसूलों वाले आदमी लगते हैं, उनसे आपका उल्लू नहीं सीधा होने वाला। वो आम गांव वालों की तरह नहीं है। उसूलों को टूटते समय नहीं लगता बहू, बस बीच में काम बिगाड़ने वाला तुम जैसा मूर्ख ना आ जाए। आज जो भूल हुई वो दोबारा अगर हुई तो बंबई जाने का सपना तुम स्वयं ही त्याग देना, समझे? अब जाओ अपने कक्ष में जाओ। नाश्ता तैयार हो गया? जी। ला दो। ये लीजिए शास्त्री जी का नाश्ता। तू तो बड़ा समझदार हो गया है, अपने छोटे भाई का इतना ख्याल रख रहा है। भगवान करे तुम दोनों भाइयों का ये प्रेम हमेशा ऐसे ही बना रहे। अच्छा ये बता, जैसे अभी तूने बिना किसी के कहे सुने अपनी समझ से हरि का ख्याल रखा, तेरी ये जिम्मेदारी, ये समझदारी शरारत करते वक्त कहाँ चली जाती है? हाँ तुझे पता है ना हमें तुझसे कितनी उम्मीदें हैं।
मैं और तेरे बाबा दिन रात मेहनत करते हैं ताकि तुम दोनों का भविष्य अच्छा हो सके। हमारी तो सारी उम्मीदें सिर्फ तुझ पर टिकी है कि तू बड़ा होकर एक अच्छा इंसान और एक जिम्मेदार इंसान बनेगा और फिर अपने भाई का भी मार्गदर्शन करेगा। तू समझ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? हाय। जब तू सब समझता है तो फिर इतनी शैतानियां करता ही क्यों है? तुझे अच्छा लगता है क्या जब लोग तेरे आई बाबा को दुनिया भर की बातें सुनाते? हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुझे डांटना फटकारना। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि तू ये शरारत करना लोगों को तंग करना छोड़ दे। अपनी आई की बात मानेगा ना तू? कुछ दिन पहले एक दानी पुरुष आए थे जो ढेर सारा अनाज दे गए थे। मुझे जरा देख के बताओ तो कि गेहूं कितना है। जी सही, अभी बताता हूं। एक शेर के लगभग होगा साईं। इसे पोटली में बांध दो। वो क्यों साईं? ये जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ठीक है। हमारे साथ खेलने आइए ना। अभी नहीं बेटा, अभी मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। क्या काम है? किसी के नुकसान की भरपाई करनी है। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। महासापति जी, मेरे बच्चों की मन्नत पूरी तो हो जाएगी ना? अवश्य होगी बहनी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपके पति बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। आखिर उनका परिवार उन्हें इतना प्यार जो करता है, आप सभी की प्रार्थना उनके साथ है। अरे हरि, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? मालसापति काका ने धुले हुए शुद्ध वस्त्र पहने हैं। हम सब हमारी मन्नत की पूजा करने के लिए जा रहे। अगर अभी तू इन्हें छू देता तो वे अपवित्र हो जाते। दोबारा से नहाना पड़ता उनको, दोबारा से वस्त्र बदलने पड़ते। मूर्ख कहीं का। जाने दो। छुआ तो नहीं ना, तो मूर्ख कैसे कहा? दत्तू बेटा, ऐसा नहीं कहते। जाने दो, माफ कर दो इसे। हलसा काका, आप तो इन्हें जानते हैं ना, ये दोनों भाई कितने बड़े शैतान हैं। हम सब घर से शुद्ध होकर निकले हैं। अगर हम में से किसी को भी ये छूते तो इसका मतलब ये मनहूस हमारी पूजा में विघ्न डालेंगे ना। अब तक तो हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, अब जब आरोप लगा ही दिया है तो मैं पूजा में विघ्न डाल के ही दम लूंगा। दत्तू, ऐसा बिल्कुल नहीं कहते, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको कुछ नहीं करूंगा काका। तू ये क्या कर रहे हो? दत्तू रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? दत्तू रुक जाओ। दत्तू
दत्तू, दत्तू, अरे ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ, गलत बात है, रुको, दत्तू, रुक जाओ। ये क्या किया तूने मनहूस? हमने अपने बाबा की तबीयत ठीक होने के लिए मन्नत मांगी थी, उसकी पूजा करने के लिए जा रहे थे। ये गेहूं हम खंडोबा जी के मंदिर में अर्पण करने वाले थे, तुम्हारी वजह से अब हमारी पूजा अधूरी रह गई। हमारी मन्नत अब तेरी वजह से पूरी नहीं होगी। ये सब तो तब सोचना चाहिए था जब हरी को बिना उसकी गलती के डांट रहे थे। बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, चलो माफी मांगो इनसे। नहीं काका, भालसा काका, आपकी बातों का इन पर कोई असर नहीं होने वाला। बड़े बुजुर्गों को तो आप छोड़ ही दो, इन्हें तो अब भगवान का भी डर नहीं रहा। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। बच्चे मार से नहीं प्यार से सुधरते हैं। साई, अगर ऐसा होता तो ये कब के सुधर गए होते? क्या हुआ साई? अच्छा हुआ काकी जो आप आ गई। आपके ये बेटे इंसान नहीं, शैतान है शैतान। ना ही इनमें तमीज है ना ही संस्कार। पूरा गांव इनकी शिकायत करके थक गया आपसे, लेकिन इनमें कोई सुधार नहीं। आपने ही तो ढील दे रखी है, अब तो ये तभी सुधरेंगे जब इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मैं तो जा रहा हूं पुलिस के पास, अब वो ही न्याय करेंगे। तुम क्या जानना चाहते हो भालचंद्र? अपने बेटों के बारे में, उनका भविष्य उज्जवल रहना चाहते हैं। हरी और दत्तू का क्या होगा ये कोई ना ही जाने, इसी में सबकी भलाई है।